मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप देख रहे हैं या अल्लाह मदद चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कनूत वितर की दुआएं याद करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को सवाब के नीयत से शेयर भी करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अरबी सुन लें, उसके बाद इसका तर्जुमा। तो सबसे पहले अरबी सुनिए। اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي। और अब इसका तर्जुमा। ऐ अल्लाह, तू मुझे हदायत देकर उनमें दाखिल कर जिन्हें तूने हदायत दी, और मुझे आफ़ियत देकर उनमें शामिल कर जिन्हें तूने आफ़ियत दी, और मेरी सरपरस्ती फरमा उन लोगों में जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई, और मेरे लिए उन चीज़ों में बरकत फरमा जो तूने अता की, और मुझे उन फ़ैसलों के शर से बचा जो तूने किए, इसलिए कि तू ही फ़ैसला करता है और तेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। वाक़या ये है कि वो जलील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए, और वो मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता जिससे तू दुश्मनी करे। ऐ हमारे रब, तू बहुत बाबरकत और नहायत बुलंद है। और उसके बाद आप ये दूसरी दुआ वो सुन लें। اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك। और अब इसका तर्जुमा सुन लें। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी रज़ा के ज़रिए से, तेरी नाराज़ी से और तेरी माफ़ी के ज़रिए तेरी सज़ा से, और मैं पनाह मांगता हूँ तेरे ज़रिए से तुझ से। मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता, तू इसी तरह है जैसे तूने ख़ुद अपने आप की तारीफ़ की। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी किया करें, और दुआओं को अच्छी तरह से याद किया करें। और अब मुझे दे इजाज़त, घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।